आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी लोगों को एक आवश्यक सूचना बता दूं और जानकारी भी बता दूं कि आप सभी लोगों के रिजल्ट को लेकर मैंने जो है मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जो है एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया है। और मुझे जो है मेल या ईमेल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से मुझे जो है जानकारी दी जाएगी कि हमें कब बुलाया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इतने दिनों के बाद भी जो है आपका डीएलएड एंट्रेंस रिजल्ट जो है जारी नहीं हो पा रहा है। हार कर मैं भी अब जो है मुख्यमंत्री के दरवाजे को खटखटाया हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं जनता दरबार का जो है या आपका यहां पर नजर आ रहा होगा जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्य के लिए आवेदन पत्र। और हमने जो है मेरा यहाँ पर आवेदन संख्या नजर आ रहा है, साथ ही साथ मैंने आज ही आवेदन किया है। यहाँ पर मेरा नाम है, पिता का नाम, लिंग है, दिव्यांग है, पहचान पत्र आदि, जन्म के अनुसार ये हो गया। और साथ ही साथ जो है जिला, पता, मोबाइल नंबर और विभाग शिक्षा से रिलेटेड है। शिकायत का प्रकार जो है अन्य है और शिकायत द्वारा दर्ज किया विवरण क्या है। तो महाशय, बिहार डीएलएड एंट्रेंस का रिजल्ट जो है जनवरी फरवरी में भरा गया, जून जुलाई में एग्जाम हुआ, अभी तक जो है इसका रिजल्ट नहीं आया है, जिसके कारण एक साल बर्बाद हो रहा है। रिजल्ट जारी करने की कृपा करने का प्रयास करें, डीएलएड एंट्रेंस रिजल्ट जारी नहीं किए जाने के संबंध में। साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन की प्रति और क्या शिकायत बिहार लोक सेवा विचरण के पंजीकरण है, तो नहीं, पहला बार पंजीकरण किया गया है, शिकायत संख्या नहीं पता है। और नीचे लिखा गया है यह एक कंप्यूटर जनित प्राप्ति है, जनता में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की तिथि की सूचना एसएमएस और ईमेल ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी लोगों को प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो हमने यहाँ पर फॉर्म जो है अप्लाई किया है जनता दरबार में जाने के लिए, आपकी आवाजों को बुलंद करने के लिए, यह फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो चुका है, यह फॉर्म जो है आपका एक्सेप्ट हो चुका है। और मुझे जो है मेल के माध्यम से, मुझे क्या होगा, मेल के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से मुझे बताया जाएगा कि मुझे कब बुलाया जा रहा है। तो आप सभी लोगों से भी निवेदन है, आप सभी लोग भी जो है जनता दरबार में अधिक से अधिक अप्लाई करें। अगर मुझे नहीं तो किन्हीं भी बच्चों को बुलाया जाएगा, और तो आप जाइएगा और एक बार उनसे मिल लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, जहां तक मेरा अनुमानित सोच है। समझ गए, बाकी मैं अब जनता दरबार जाने वाला हूं और डीएलएड एंट्रेंस रिजल्ट आपको दिलाकर ही रहूंगा। बाकी मैं आपको बता दूं, बोर्ड ऑफिस से कोई भी ऐसी जानकारी अभी तक नहीं आया है, शायद यह जाने से पहले कहीं आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि सारे प्रक्रिया हो चुका है लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी मतलब शर्म की बात है बिहार बोर्ड के लिए। तो हमने जो है जनता दरबार में अप्लाई कर दिया है, और जब भी मुझे बुलावा आएगा आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा कि मुझे बुलावा आ गया है, मैं जरूर जाऊंगा, आपकी आवाजों को रखूंगा और जो भी बिहार बोर्ड की कमी है वो सारी बातों को वहां रखूंगा। समझ रहे हैं, तो आपसे भी निवेदन है, आप लोग भी जाइए ऑनलाइन पोर्टल पर और वहां पर जाकर जो है अप्लाई कीजिए। मुझे नहीं तो किन्हीं बच्चों को तो बुलाया जाएगा। यहाँ पर भरने के बाद ये होता है कि मैं आपको बता दूं कि सप्ताह में साल मतलब महीना में जो है 3 बार बैठक होती है, मुख्यमंत्री का जो दरबार लगता है 3 बार लगता है महीना में, और एक एक बार जो लगता है ना उस दिन जो है 300 से लेकर 400 लोगों के जो है फरियाद सुना जाता है। मे बी मैं उस फरियाद में शामिल हो जाऊं आपकी आवाज बनकर, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने अप्लाई कर दिया है, आप सभी लोगों से भी निवेदन करते हैं अधिक से अधिक अप्लाई कीजिए, जाइए न जाइए वो अलग की बात है, लेकिन अप्लाई जरूर कीजिए ताकि आपकी आवाज वहां तक जाए। ओके, तो आशा करता हूं आप सभी लोगों के लिए जो भी डीएलएड रिजल्ट को लेकर जो अपडेट है वो बहुत जल्द जो है अच्छी आएगी, मैं आशा करता हूं, क्योंकि अभी तक तो नहीं आई है लेकिन मैं आशा करता हूं। और ये जानकारी अगर मैं मुझे मिलती है, मुझे एसएमएस आ जाता है या मेल आ जाता है, मैं रोज चेक करूंगा, एसएमएस या मुझे ईमेल आ जाता है तो मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी हमने जो है आज ही देख सकते हैं 23/9/2023 को हमने फॉर्म जो है फिल कर दिया है, ये फॉर्म का आप लोग देख सकते हैं, बाकी सारे कुछ मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो आपसे निवेदन करते हैं अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक जो है ट्विटर कैंपेन कीजिए, अधिक से अधिक जनता दरबार में फॉर्म अप्लाई कीजिए ताकि आपकी आवाज बनकर आगे जा सकूं। ओके, आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। ओके, धन्यवाद।